बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारे यूट्यूब चैनल हिडन वर्ल्ड में खुश आमदीद। आज की हमारी वीडियो इकबाल का खसूसी मुतालिया के हवाले से है और आज हम बात करेंगे इसरारे खुदी की मुंतखब नज़मों में से अल वक्त सैफुल्ला पर। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो की डिटेल की तरफ चलूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं और लेटेस्ट जॉब्स, लेटेस्ट एडमिशन्स, एमबीए उर्दू की तैयारी, लेक्चरार उर्दू की तैयारी और जनरल जॉब टेस्ट की तैयारी के हवाले से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के निशान को प्रेस कर दें ताकि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अगर आप एमबीए उर्दू के स्टूडेंट हैं और आपको एमबीए उर्दू की तैयारी में मुश्किल पेश आ रही हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से हेल्प लेके अपनी एमबीए उर्दू की तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आपको जिस भी सब्जेक्ट में मुश्किल पेश आ रही हैं, YouTube ऐप के सर्च बॉक्स में जाएं और अपने उस मतलूबा सब्जेक्ट का नाम लिखें, जिस तरह इकबाल का खसूसी मुतालिया। और साथ बाई हिडन वर्ड्स लिख लें। ये बाई हिडन वर्ड्स आपने जो है ना ये लाजमी लिखना है। तो जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने हमारे YouTube चैनल की इकबाल का खसूसी मुतालिया की तमाम तर वीडियो शो हो जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि इनमें से कोई भी वीडियो आप मिस ना करें तो आप YouTube ऐप के टॉप पे देखेंगे, थ्री डॉट्स होंगे, इन पे क्लिक करें, फिल्टर्स का ऑप्शन होगा, इस पे क्लिक करें, टाइप के सामने आल होगा, इसमें से प्लेलिस्ट को सिलेक्ट करें और नीचे अप्लाई पे क्लिक कर दें तो आपके सामने हमारे YouTube चैनल की दो प्लेलिस्ट शो हो जाएंगी। एक इकबाल का खसूसी मुतालिया यानी उर्दू नाम के हवाले से है और दूसरी स्पेशल स्टडी ऑफ इकबाल। तो ये मैंने जो है ना दो प्लेलिस्ट बनाई हैं, एक इंग्लिश नेम देकर और दूसरा जो है ना वो उर्दू नाम देकर। तो इन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने हमारे YouTube चैनल की इकबाल का खसूसी मुतालिया की तमाम तर वीडियो शो हो जाएंगी। तो आपको बताता चलूं कि इन्हीं वीडियोस में चार से पांच वीडियोस ऐसी हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चन पर जो है ना ये मबनी हैं, जिस तरह अल्लामा मोहम्मद इकबाल से मुंसलिक तारीखें और साल, बुनियादी मालूमात और कलाम, और इसी तरह कलाम और नज्मों के मौजूद। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियोज इसमें जो है ना ये ऑलरेडी जो है ना ये मौजूद हैं। मजीद मैंने आपको ये भी बताया था कि आप हमारे YouTube चैनल से किस तरह जो है ना ये एक तरतीब के साथ तैयारी कर सकते हैं। इस हवाले से मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक ऊपर आई सेक्शन में आ रहा होगा, आप उस पे क्लिक करके उससे थोड़ी सी गाइडलाइन लेके उसी के मुताबिक तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी जो है ना कुछ बेहतर हो जाएगी। तो अब चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक की जानेब, जो है अल वक्त सैफुल्ला, जो कि इसरारे खुदी की नज़म का जो है ना ये तर्जमा है। और इसमें से आपका एक 20 नंबर का क्वेश्चन आता है जो कि तशरी का होता है। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकबालियात, पेज नंबर 430। अल वक्त सैफुल्ला। वक्त जो है अल्लाह की तलवार है। वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है, वक्त चलता है। और हम कहते हैं कि अल्लाह करे वक्त ठहर जाए, और कभी कभी कहते हैं कि अल्लाह करे ये वक्त जल्दी गुजर जाए। इंसान किसी हाल में खुश नहीं ना। कुछ लम्हात हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं, हम कहते हैं अल्लाह करे ये लम्हात रुक जाएं, ठहर जाएं। अल्टीमेटली दुनिया के किसी ना किसी कोने में वही लम्हात किसी के लिए अजाब से कम ना होंगे। वो भी दुआ कर रहा होगा कि ये वक्त गुजर जाए। सुल्तान महमूद गज़नवी से ने किसी पूछा कि मुझे कुछ ऐसी बात कहो, अगर मैं खुश हूँ तो गमगीन हो जाऊँ, अगर गमगीन हूँ तो खुश हो जाऊँ। तो उनके वज़ीर ने कहा ये वक्त गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। अब बंदा खुश है तो साथ गमगीन हो जाएगा ना, कि ये लम्हे फिर हाथ नहीं आएंगे। अगर गमगीन हो तो खुश हो जाएगा, जल्द ये दुख जो है ये ख़त्म हो जाएगा। तो वक्त के हम कैदी हैं, हम वक्त से आगे निकल नहीं सकते। वक्त के साथ चल सकते हैं, वक्त से पीछे भी जाते हैं हम, लेकिन वक्त से आगे हम जमाने की कैद में हैं। खिरद हुई है जमान और मकान की जुन्नारी, ना है जमान ना मकान, ला इलाहा इल्लल्लाह। अकल जो है जमाने की कैद में है।
यूनिवर्स की कैद में है। तो हमें चाहिए कि हम वक्त के साथ चलने की कोशिश करें, वरना वक्त का धारा बहुत तेज़ है, बहा ले जाता है, कहीं से कहीं इंसान को जा मारता है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि छोटी सी चीज़, हम कहते हैं इसकी कोई वैल्यू नहीं है, वक़्त नहीं है, और उस लम्हे की बड़ी वक़्त होती है। हम कहते हैं नहीं, 5 मिनट तो हैं। हॉलीवुड में एक मूवी है 5 मिनट्स, 5 मिनट्स वो है कि लड़की जो है ना हमेशा टाइम पे आती है, उस दिन टाइम पे नहीं आती, 5 मिनट लेट हो जाती है, उसी दिन उसका बॉस हो जाता है, बॉस उसको जॉब से फ़र्क कर देता है, फिर उसकी ज़िंदगी में मुख्तलिफ मसाइल खड़े होते हैं उन्हीं 5 मिनटों की वजह से। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में कहते हैं जो हमेशा वो वक्त पे आता था, एक बार वो वक्त पे ना आया और वो जंग हार गया, और वो जंग उसकी ज़िंदगी की फैसला कौन जंग साबित हुई। तो हमें वक्त के मुताबिक चलना चाहिए, ठहरना नहीं चाहिए। हर चीज़ वक्त के ख़ास हिस्से में अच्छी होती है, वो चीज़ फिर वक्त के किसी दूसरे हिस्से में बुरी हो जाती है। आजकल हमारे बड़े कहते हैं हाय हाय कैसा ज़माना आ गया है, लोगों में हया नहीं रही, लोगों में शर्म नहीं रही, ठीक है। और जब ये हमारे बुजुर्ग जवान हुआ करते थे, इनको इनके बुजुर्ग कहते थे हाय हाय ज़माना ख़राब हो गया। हमारे लिए शायद ये ज़माना अच्छा है, शायद हमारे बुजुर्गों के लिए वक्त अच्छा नहीं है। जब हम बूढ़े हो जाएंगे, आने वाला वक्त कहेंगे नहीं अब वक्त ख़राब हो गया है, जबकि उस वक्त के जो यंग लोग होंगे उनके लिए वो ज़माना ठीक होगा, अच्छा होगा। जब हम पास्ट को देखते हैं वो कहते हैं जी ना गाड़ी थी, ना बैल था, ना बिजली थी, ना मोबाइल था, हम कहते हैं कि वो लोग कैसे जीते हुए थे, लेकिन उन लोगों से पूछें तो कहते हैं वो ज़माने बहुत अच्छे थे। अब फ्यूचर आएगा, इससे भी और सहूलियात होंगी, और हम बताएंगे अपने बच्चों को हमारे ज़माने में तो ऐसा था, वो कहेंगे अच्छा ऐसा था। अच्छा यानी कि वो लोग अच्छे थे जिनके पास मोबाइल नहीं था, वो लोग बुरे हैं जिनके पास मोबाइल है। मोबाइल ने बहुत सी सहूलियात पैदा की हैं, बहुत सी आसानियां पैदा कर दी हैं। हाँ चलें जी, नज़्म पढ़ते हैं। सब्ज़ बादा खाके पाके शाफी, अल्लाह करे हज़रत इमाम शाफी के मज़ार पर सब्ज़ा उगा रहे। हज़रत इमाम शाफी हदीस के इमाम थे, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक, इमाम शाफी और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, ये 4 इमाम हैं हदीस के। अहदीस की इन्होंने किताबें लिखी हैं और फ़िक्का की इन्होंने किताबें लिखी हैं। आलम सरखोश ज़े ख़ाक शाफ़ी, आलम दुनिया सरखोश फैज़याब होता रहे, ज़े से ख़ाक शाफ़ी, शाफ़ी की ख़ाक से दुनिया फैज़याब होती रहे। फ़िक्र ऊ उनकी सोच कौकब सितारा थी, ज़े गर्दूँ आसमान पर चीदा अस्त मुंतखब, उनकी सोच आसमान का एक चुना हुआ सितारा थी। सैफ तलवार बरां, इस तरह वक्त को राह को नमीदा अश्त उन्होंने नाम दिया, उन्होंने वक्त को तलवार का नाम दिया। मन के गोयम मैं कहता हूँ सिर राज ई शमशीर, इस तलवार का चेस्त अखर में ये वार था चे अस्त क्या है, मैं तुम्हें बताता हूँ इस तलवार का राज क्या है। मन के गोयम मैं कहता हूँ सिर राज ई इस शमशीर तलवार चेस्ट क्या है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस तलवार का राज क्या है। आबेऊ इसकी चमक सरमायादार जिंदगी, इस जिंदगी का सरमाया है, इसकी चमक जिंदगी का सरमाया है, जिंदगी की जमा पूंजी है। साहिबिश इसका मालिक
असल था ये साहिब याश, इसका मालिक, इसका साहिब, सरमायादार, सरमाया था अज अज, उम्मीद उम्मीद, व बीम का मतलब भी, और जो होता ना खौफ को वैसे कहते हैं। इसका मालिक उम्मीद रखता है और किसी किस्म के खौफ से बला तर होता है। दस्ते ऊ उसका हाथ बैजा तर ज़्यादा रोशन है, और दस्ते कलीम कलीम के हाथ से। जिसके हाथ में वक्त की तलवार है उसका हाथ कलीम के हाथ से ज़्यादा। कलीम कौन? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये मौजज़ा था कि अपनी बगल में हाथ को ले जाते, जब हाथ निकालते तो रोशन होता। तो कहते हैं जिसके हाथ में ये वक्त की तलवार है उसका हाथ कलीम के हाथ से ज़्यादा रोशन है। संग पत्थर, अज से यक जरबत एक जरत है, वो उसकी तर शबत तर हो जाता है, उसके एक जरब से पत्थर पानी बन जाता है। हते मूसा गए थे ना अपनी कौम के पास, तो कौम ने कहा मूसा हमारे 12 कबीले हैं, हमें अल्लाह से कहा कि हमें अलग अलग पानी दे। तो हते मूसा ने कहा, अल्लाह से दुआ की, मेरी कौम के 12 कबीले हैं तो अलग अलग चश्मे दे। तो अल्लाह ने कहा तेरे हाथ में क्या है? मूसा ने फरमाया कि आशा है। अल्लाह ने पूछा तू ऐसे क्या करता है? तो हज़रत मूसा ने कहा अल्लाह ताला से कि मेरी कौम के 12 कबीले हैं, तू मुझे 12 चश्मे अता कर। तो अल्लाह ने कहा तेरे हाथ में क्या है? और मूसा ने कहा मेरे पास क्या है? आशा है। अल्लाह ने कहा क्या करता है? मैं ऐसे बकरियां चराता हूँ, जो दरख्त हैं उन पे मारता हूँ तो पत्ते झाड़ लेता हूँ। तो अल्लाह ने कहा अपने आशे को ना पत्थर पे मार। आशा क्या था? एक लकड़ी थी, ठीक है। लकड़ी की कोई खासियत की वैल्यू होती है क्या? लकड़ी किसके हाथ में थी? हते मूसा के हाथ में थी, कलीम के हाथ में आशा था। इकबाल कहता है कारे कलीमी ना हो तो आशा है, आशा ना हो तो है कारे कलीमी बेबुनियाद। अब आशे की वैल्यू तब है जब मूसा के हाथ में हो। तो हज़रत मूसा ने पहाड़ों पे वो आशा मारा तो 12 चश्मे फूट पड़े। सूरह बकरा में है फन फाजरत, बस फूट पड़े। तो इकबाल कहता है कि जिसके हाथ में ये वक्त का आशा है ना, तो क्या है? संग पत्थर अजक जरबत एक जरब से उतर शवत तर हो जाते हैं। बहर अज महरूम नम बर शवत, बहर समंदर जो अज से महरूम नम, नमी से महरूम होकर बर शवत खुश्की बन जाता है। हते मूसा को ना अपनी कौम को लेके निकले थे तो फिरौन पीछे आ गया। आप दरियाए नील में से गुजर रहे थे तो पीछे से फौजें आ गई। अल्लाह ने कहा कि भाई अपने आशे को ना समंदर में डाल। आपने डाला तो दो ही हो गया पानी। आप अपनी कौम को लेके वहाँ से गुजर। उसी वाक्य की तरफ इशारा है कि बहर अज महरूमी नंबर शवद, जिसके हाथ में ये वक्त की तलवार हो वो जो है वो बहर पे मारे, समंदर पे मारे, तो समंदर क्या हो जाएगा? खुश्क हो जाएगा। दर कफे मूसा, मूसा की हथेली में हमी इसी तरह की शमशीर बूत तलवार थी। मूसा की हथेली में भी इसी तरह की तलवार थी। कारे ऊ उनका काम बला तर, बला तर अज तदबीर बूद, उनका काम तदबीर से बढ़कर था। सीनाए दरियाए अहमर चाक कर्द, उन्होंने दरियाए अहमर, दरिया अहमर कहते हैं सुर्ख को, उन्होंने दरियाए अहमर का सीने को चाक कर डाला। कुल्ज मेरा खुश्क मिसले खाक कर्द, और समंदर को मिट्टी की तरह खुश कर डाला। बात में आई है ना? उसी वाक्य की तरफ इशारा है। यहां तक करें फिर अगले पेज पे आ जाएं। साख्ती ऐ मर्द मोमिन तूने बना लिया है ई ऐसे रिश्ता रहा, इस रिश्ते को जुनार जुनार के दरोश बांध लिया है।
गले में बांध दिया है। ऐ मोमिन, तूने इस जुन्नार को अपने गले में बांध लिया है। गुश्ता मिसले बुतां बातिल फरोश, गुश्ता तू बन गया है मिसल की तरह बुतां बुतों की, बातिल फरोश वो बातिल फरोश बुतों की तरह तू बन गया है मोमिन। किमयाबूदी, तू सोना था वह मुश्त और मुट्ठी बन गया गिल मट्टी की, शुदी तू हो गया। मर्द मोमिन, तू तो क्या था, सोना बन गया मट्टी की एक, तू मुश्त, मुश्त कहते हैं मुट्ठी, तू मट्टी की एक मुश्त बन गया, मुट्ठी बन गया है। सिरे हक जायदी, तू तो सरासर हक था वह बातिल शुदी और तू बातिल हो गया। तू तो सिर राज हक हक जायदी, तूने अश्कार किए, तू तो वो है जिसने हक के राज को फाश किया। वह बातिल शुदी, तू बातिल बन गया है। मुसलमी, आए मुसलमान आजाद आजाद हो जा, ई इस जुनार जुनार बाश हो जा। मुसलमान इस जुनार से, जुनार क्या है जी, धागा, हिंदुओं का मुकद्दस धागा जुनार है। ऐ मुसलमान, तू इस जुनार से आजाद हो जा। शम्मा बज़्म मिल्लत अहरार बाश, शम्मा बन जा बज़्म मिल्लत, मिल्लत की महफिल की शम्मा बन जा, अहरार आजाद की जमा, आजाद कौम की बज़्म की शम्मा बन जा। तू के आज असले जमा आगाह ना, तू के आज असले जमा जमाने के असले से आगाह नहीं है। आज हयात जावदा आगाह ना, तू जमा हयात जावदा से आगाह नहीं है। ताकुजा दर रोज़ो शब बाशी असीर, ताकुजा कब तक दर रोज़ो शब में बाशी रहेगा असीर गुलाम, कब तक तू रोज़ो शब का गुलाम रहेगा। ऐ मोमिन, तू कब तक रोज़ो शब का गुलाम रहेगा। रम्स इशारा समझ, वक्त वक्त अजली मेरे लिए, मा अल्लाह 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 मेरे साथ है, यादगीर इस बात को याद कर ले कि अल्लाह ताला मेरे साथ है। ये नबी अकरम का कॉल था जी सर, देखें सर इसमें या उसमें, देखें इसमें देखें। रम्स इशारा वक्त वक्त अज ली मेरे लिए है, मा अल्लाह अल्लाह कि इस वक्त अल्लाह मेरे साथ है, यादगीर इस बात को याद कर ले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वक्त मेरे साथ है, मेरा अल्लाह मेरे साथ है। नबी सल्लम का फरमान है कि जमाने को बुरा मत कहो, जमाना अल्लाह ताला फरमाता मैं खुद जमाना हूँ। पानी दे जरा, नुकता ए मी गोय मत, नुकता एक पॉइंट मी गोय मत, मैं कहता हूं रोशन रोशन चू दुर मोती की तरह, तुम्हें मैं एक नुकता बताऊं मोती की तरह रोशन, ताशनासी ताके तुझे पहचान हो, इम्तियाज फर्क अब्दो हुर गुलाम और आजाद का पता लगे। आ मैं तुझे एक नुकता बताऊं जो मोती की तरह रोशन, ये वर्ड दुर है जी, दुर कहते हैं मोती को, और जिसको हम दरवेश पढ़ते हैं कि फलां बंदा दरवेश है, असल में ये दुर्वेश है, दुर्वेश मोती टांकने वाला, ठीक है जी। दर का मतलब वादा होता है दुर्वेश, ठीक है। इलाही तेरे आजाद बंदे कहाँ जाएं, कि सुल्तानी भी है अय्यारी, दुर्वेशी भी है अय्यारी, दुर्वेशी। अल्लाह ताला के जो ये जो नेक लोग थे ना, ये अपनी रोजी रोटी के लिए खर्च चलाने के लिए ये हार बनाते थे मोतियों के, और फिर उन हारों को, तो वो लोग जो अल्लाह वाले थे और अपने जिस्म को पालने के लिए अपना रोजी रोटी चलाने के लिए हार बनाते थे, वो मशहूर हो गए दुर्वेश, वो बंदा दुर्वेश है मोती टांकने वाले। और फिर अब जो अल्लाह वाला बंदा होता है हम कहते हैं ये दुर्वेश है, हालांकि मोती तो नहीं टांगता। अब दुर्वेश का मतलब क्या हो गया,
इस्तलाही अल्लाह अल्लाह करने वाला है। ठीक है जी, ये नंबर 5 लगा पे रहा है।